अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल मैक्रोनी सैलड की रेसिपी। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। स्टेप को बिल्कुल सेम सेम फॉलो करेंगे तो आपकी जो सैलड है बहुत कमाल की बनेगी। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने इमली ली है कुछ, उसको कुछ देर के लिए भिगो के रख दी है। अब जी यहाँ पे एल्बो मैक्रोनी ली है, उसको जी हम सिंपल तरीके से जैसे करते हैं बॉईल, वैसे बॉईल कर लेंगे। अब सबसे यहाँ पे पहले लेंगे बॉईल चने, सारी रात भिगो के रखे थे उसके बाद इसको बॉईल कर लिया। बॉईल मैक्रोनी लेंगे, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीट कॉर्न, ये एक कैन की सूरत में मिल जाता है। और टमाटर लिया है एक अदद, खीरे लेंगे जितने आपको पसंद है आप उस क्वांटिटी में डाल लें। मैंने वैसे यहाँ पे सिर्फ दो अदद खीरे लिए हैं। आधी अदद शिमला मिर्च ऐड की है, लोबिया ऐड किया है, ये भी मैंने रात सारी भिगो के रखा था उसके बाद बॉईल कर लिया। प्याज ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा प्याज लिया मैंने, आधा अदद, थोड़ी सी बंद गोभी बारीक बारीक कट करके, और जो थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। अब यहाँ पे जो इमली का पानी, हमने इमली को भिगो के रखा था उसका पानी ले लेंगे। गुठलियाँ आपने नहीं अंदर डालनी, वो सारा पल्प इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, चिली गार्लिक जो सॉस होता है वो ऐड करेंगे। इसमें फ्रेंच ड्रेसिंग है सैलड की, वो मिलती है यंग्स की, बहुत अच्छी टेस्ट में है, वो ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट, 1 टेबल स्पून भर के इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छा जी, नमक और मिर्च का हिसाब जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। काली मिर्च कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से बनाएगी मैक्रोनी सैलड की रेसिपी रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।